नमस्कार आदा सत्यावी साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन के इस चैनल पर जहां पे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं नाउन पार्ट फोर तक पहुंच तो चुके usual, class, और इसके लिए आपको करना यह होगा कि थोड़े समय के लिए YouTube के साथ साथ आपको अपने Chrome ब्राउजर पर सर्च करना होगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मेटी डॉट कॉम और वंस यू ओपन जीरो ये एट डिजिट का कोड आपको अप्लाई करना चलिए देख लेते कितने बच्चे आ गए छह बच्चे लोग आ गए चलिए जल्दी से आइए फटाफट सारे बच्चे फाइव नाइन सिक्स नाइन टू सिक्स जीरो दिस इज द कोड फॉर टुडे कल जो भी हमने पढ़ाया था उसके बेसिस पे आपका क्विज होगा कल मैंने आपको नाउन द जेंडर बताया था और कुछ वोबुलटीज याद करवाए थे इसके ऊपर टोटल टेन क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के लिए फिफ्टीन सेकंड का समय मिलेगा ईच क्वेश्चन मिलेगा ईदर थ्री और फोर ऑप्शन यू हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स चलिए जल्दी से आ जाइए नौ बच्चे आ गए हैं फटाफट आइए जल्दी से सारे और कोड अप्लाई करना है फिफ्टी नाइन सिक्सटी नाइन टू सिक्स नाइन जीरो दो एप्लीकेशन एक साथ चलाना है आप लोगों को तो आप मल्टी स्क्रीन यूज कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हो अपने मोबाइल पर चलिए जल्दी से आइए फटाफट चलिए टेन बच्चे आ चुके हैं चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं <coughs> आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट जितना ज्यादा फास्ट आप आंसर देंगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट मिलेगा पहला क्वेश्चन है एम्बेलिस्ड चलिए देखिए एम्बेलिस्ड दुर्भावना चित्रित या रगड़ना वट वी से दुर्भावना चित्रित या रगड़ना चलिए जल्दी से बताइए का मतलब क्या होगा चलिए टाइम्स ऑफ 15 फिफ्टीन सेकंड का समय मिला था छह लोगों ने सही आंसर दिया छह लोगों ने गलत तो दुर्भावना नहीं होता ना ही रगड़ना होता है चित्रित होता है लीडर देख लेते हैं, कौन कौन लीड कर रहा है राउंड के बाद ओ चलिए ठीक है लीडर बोर्ड नहीं आया कोई दिक्कत नहीं होता है एक्चुअल एक्चुअल का एंटेनिम आपको बताना है अपोजिट बताना है क्या इल्यूजरी होगा

ओके, लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड आ गया चलिए देख लेते हैं कौन कौन किनका किनका नाम आ रहा है आयुष है सबसे ऊपर शिप्रा है मोन्टी लाखेरा प्रियांशी नमन डोरेमोन निकिल मोनिश बेबी जैन केक जॉनी आदित्य प्रकाश मेरा केक से अनुरोध है भाई कि आप इस तरह के नाम ना रखें नहीं तो काट देंगे और हैप्पी बर्थडे दे बोल देंगे ठीक है और ये जॉनी जॉनी यस पापा इनको भी थोड़ा सा बेटा एक्चुअल नाम लिखा करे है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर चलिए डब्ल्यू पे आपको जाना है वहां से क्विज हो रहा है मॉन्क का फेमनाइन क्या होगा मॉन्क का फेमनाइन क्या होगा जल्दी से बताइए क्या नन होगा ई e होगा विक्सन होगा जल्दी बताइए मॉन्क मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर पुरलिंग का स्त्रीलिंग कल मैंने आपको सिखाया था मोंक िंग है इसका स्त्रीलिंग इस क्या होगा क्या नन ईव या विक्सन क्या बात है आठ लोगों ने सही आंसर दिया तो मॉंग का फेमिनिन होगा आपका नन बहुत बढ़िया चलिए फटाक से हम लोग देख लेते हैं लीडर बोर्ड क्या बात है ओके मोंटी लाखेरा टॉप पर है आयुष उसके बाद है डोरेमोन निखिल ठीक है और शिप्रा है प्रियांशी नमन भी आ गए हैं अरिंदम भी आ गए आपके ठीक है और स्नगल्स बेबी जैन आदित्य प्रकाश ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट रूल इज वेरी सिंपल शैफर्ड का फेमिनिन क्या होगा शेफर्ड का फेमिनिन जल्दी से बताइए शेफर्ड का फेमिनिन गिन लेखिका कवित्री चलिए अर्चना मिश्रा भी हैं अक्षय अर्चना अनुज नीतो सिंह सब लोग आ गए सबको नमस्कार आइए शेफर्ड का हिंदी में क्या होगा गढ़ेरिन होगा लेखिका होगा कवित्री ये कौन है ये तीन लोग कौन है भाई है? शेफर्ड शेफर्ड मतलब होता है गढ़ेरिया जो भेड़ बकरी हाकता है गढ़ेरिन होगा इसका सैफड्रेस चलिए लीडर ले देख लेते हैं कल सारा कुछ पढ़ाया गया था आप लोगों को ओके मोंटी लाखेरा डोरेमोन निकिल शिप्रा अरिंदम आयुष आदित्य प्रियंशी नमन बेबी जैन शर्मिला ओके क्या बात है अगला क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है देर विल बी टोटल टेन क्वेश्चन चलिए देखिए जल्दी से क्या आ रहा है क्वेश्चन देखिए जादूगरनी का मैस्कुलिन मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा ठीक है ठीक है जादूगरनी इसको इसका मैस्कुलिन क्या होगा एनचेंट कंडक्टर एनचेंटर चलिए जल्दी से बताइए फटाक से मैस्कुलिन बताना था एनचेंटर होता है एंटेंट्रेंस तो खुद जादूगरनी हो गई थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा बिल्कुल इसको लाइटली ना लीजिए ओके okay, केवल दो ही बच्चों का सही हुआ है शिप्रा का और अरिंदम का चलिए कोई बात नहीं इट्स ओके ठीक है।, है शिप्रा अरिंदम निखिल मोनिशा आयुष आदित्य प्रकाश प्रियांशी नमन बेबी जैन और शर्मिला चलिए अगला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखिए फटाक से प्रोनाउंस ऑफ न्यूटर जेंडर्स प्रोनाउंस ऑफ न्यूटर जेंडर एनीथिंग दैम सम चलिए एनीथिंग दैम या सम प्रोनाउंस ऑफ जेंडर न्यूटर जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउंस यूज किया जा सकता है एनीथिंग या दैम या सम शाबाश तो एनीथिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं जेंडर के लिए दैम का या सम का प्रयोग नहीं होता है ठीक है सम का यूज आप कॉमन के लिए कर सकते हो दैम का प्रयोग भी आप कॉमन के लिए कर सकते हो लेकिन ज्यूटर के लिए नहीं होगा चलिए लीडर्स देख लेते हैं फटाफट जल्दी से कौन कौन है लाखिरा, ठीक है अरिंदा में निखिल है शिप्रा डोरेमोन बीबी जैन प्रियांशी नमन आयुष आदित्य प्रकाश और सिमरन सिद्दीकी क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है मठाध्यक्ष का फेमिनिन क्या होगा मठा अध्यक्ष कोई भी जो मठ होता है उसका अध्यक्ष मठाध्यक्ष उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा मिस्ट्रेस होगा अबैस होगा अबेस होगा जल्दी बताइए हरियप चले जल्दी बताइए मठाध्यक्ष का फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग क्या होगा अबेस होगा मिस्ट्रेस तो मिस्टर का होता है मिस्टर का मिस्ट्रेस होता है अबट ही मठाध्यक्ष होता है और इसका अबेस जो है वो आपकी मठा दक्षिणी ठीक है ना फेमिन तो ये दो लोगों का सही हुआ बेटा सा पढ़ाई में आपको ध्यान देना जो भी पढ़ाया जा रहा है ये छोटी छोटी गलतियों से बचना है आप लोगों को अगर आप थोड़ा भी सीरियस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो जैसा पढ़ाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना और ये तो बहुत बेसिक बातें हैं अभी तो क्वेश्चन इसके ऊपर बना ही नहीं है अरिंदा मोटी मोन्टिया निखिल शिप्रा डोरेमोन आदित्य बेबी प्रियांशी आयुष सिमरन सिद्धिकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर एट होगा आई थिंक सो चलिए देख लेते हैं विच प्रोनाउंस कैन बी यूज फॉर ऑल जेंडर्स कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो सभी जेंडर के लिए यूज हो सकता है चार जेंडर मैंने बताया था आपको फैमिलिन मेस्कुलिन कॉमन और न्यूट्रल तो इसमें से बताना है कि कौन सभी के लिए यूज हो सकता है एट दिस जल्दी बताइए कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो सभी जेंडर के लिए यूज क्या बात है छह लोगों ने सही आंसर दिया दिस तो दिस एक ऐसा प्रोनाउन है जो सारे जेंडर के लिए यूज होता है जैसे दिस इज माई फादर दिस इज माई मदर दिस इज अ कार ठीक है दिस इज माई तो टीचर तो देखिए टीचर कॉमन हो गया कार हो गया आपका न्यूट्रल ठीक है मदर और फादर फैमिली में फैमिलीन तो दिस का प्रयोग आप सबके लिए कर सकते हो का यूज नहीं कर सकते वी का नहीं कर सकते इट के लिए होता है चले लीडर से बेटा फटाफट आज आप लोगों को नाउन द केस पढ़ाऊंगा मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है चलो टोटल चौदह लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत बढ़िया अरिंदा मोंटी निखिल शिक्षा बेबी डोरेमोन आदित्य प्रियांशी सिमरन और आयुष लेट्स मूव फॉर द सेकंड लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच रहे हैं चलिए देखिए जरा विच वन कैन बी जेंडर आपको बताना है कि जेंडर कौन सा है कलेक्टिव नाउन हो सकता है क्या मटेरियल नाउन हो सकता है क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूट्रल जेंडर हो सकता है या ऑल जल्दी बताइए कौन सा न्यूट्रल जेंडर हो सकता है कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट या ऑल ऐशाबाश नौ लोगों ने कहा ऑल बहुत बढ़िया ओ ये माय बैड ठीक है ये मुझसे गलती हो गई ठीक है सही आंसर है ऑल ठीक मैं उसमें शायद वो टिक करना भूल गया ठीक है होता है सही आंसर है ठीक है नाइन्थ नौ लोगों ने सही आंसर दिया तो कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर होगा कलेक्टिव नाउन मतलब टीम फैमिली मटेरियल नाउन जैसे कि वाटर मिल्क ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है एबस्ट्रेक्ट नाउन जैसे कि लव हेट ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल जेंडर में होता है ठीक है ये टेक्निकल छोटा सा मैंने फॉल्ट कर दिया क्वेश्चन बनाते समय मैंने राइट का निशान नहीं लगाया इट्स ओके माई बैठ हो जाता है इंसान गलतियां होती रहती है सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है ठीक है तो अब तो कोई चेंजेस होगा नहीं इसमें लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं hmm. नीतू सिंह ये बोल रही है ठीक है बदनामी सिनोनिम बदनामी का सिनोनिम या मीनिंग जो भी है बदनामी का सिनोनिम क्या होगा शेम स्प्लेंडिड फ्लोरिड चलिए जल्दी बताइए बदनामी का सिनानिम ये तो बहुत इजी है यार स्प्लेंडेड यानी होता है भव्य इसी से है स्प्लेंडर स्प्लेंडेड शॉर्ट क्रिकेट में बोलते तो अच्छा हो गया तो बदनामी कहां से हुआ फ्लोरिड भी मतलब सजाना होता है, सुंदर करना शेम बोलते हैं ना बदनामी बड़ा शेम की बात है बदनामी की बात है सो बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी अनाउंस द रिजल्ट और आज के विनर है 26 ऑफ मार्च के चलिए भाई जल्दी से रिजल्ट दिखा दीजिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अरिंदम है अरिंदम के लिए जोरदार तालियां बेटा बहुत बहुत बधाई हो ठीक है और ये आप ये चूहा का आपको इमोजी मिला यही चूहा आपको इनाम में मिलता है इंजॉय कीजिए चलिए बाकी लोग के लिए भी तालियां जिन्होंने भी अच्छा ट्राई किया ठीक है अरिंदम छः सौ छः छे हजार आपको मिला वेरी गुड वेल डन ठीक है चलिए पे पे जाना पड़ेगा? यहां पे होम में जाना पड़ेगा होम हाँ हाँ। में कहा जब साइड करके रखेंगे थोड़ा सा, थोड़ा तो ठीक है हो गया

आप थोड़ा सा रूल अपन बदलते हैं ठीक है आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स आप तैयार कीजिए रेडीमेड का चीज आप लोग केवल उसको मोबाइल पर रख लेते हो कॉपी में नोट्स नहीं करते चलिए तो हो गया ठीक ठीक है स्क्रीन ठीक दिख रहा है ओके चलो आज हम बात करेंगे नाउन द केस ठीक साइज वगैरह ठीक दिख रहा है लेटर वगैरह ठीक दिख रहा है जल्दी से बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं कुछ छोटा बड़ा करना है ठीक है hmm. तो नाउन को नाउन का हम आज केस के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है हमने नाउन नंबर देख लिया जेंडर देख लिया आज केस देखेंगे केस का मतलब होता है कारक इसको थोड़ा सा परिभाषित कर दो उसको आप अपने शब्दों में लिख दो ठीक है ना नाउन द केस मतलब यहां पर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि, कि किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में किस प्रकार से कर रहे हैं वही आपका कारक कहलाता है केस कहलाता है लेट मी रिपीट किसी नाउन का प्रयोग आप किस प्रकार से कर रहे हो या उस नाउन का संबंध बाकी शब्दों से किस प्रकार से है यही आपका केस कहलाता है ठीक है अब इसको चार भागों में हमने बांट के रखा हुआ है ठीक है पहला आता है आपका नॉमिनेटिव केस दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस तीसरा आता है आपका पसेसिव केस और चौथा आता है आपका कॉम्प्लीमेंट केस ये चार केस होते वैसे होता छह है दो मैं आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है उतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये चार अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरे के पूरे केस आपके कवर हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये चार केस के बारे में हम लोग को पढ़ना है कौन कौन सा लिखवा है आप लोग भैया नोट्स बनाते हुए चलेंगे ये सब मिलने वाला नहीं है ठीक है मैं केवल वोकेबलरी का ही आपको पीडीएफ दूंगा ये सबका नोट्स नहीं मिलने वाला है इसलिए आप कॉपी पेन लेकर फटाफट लिखते चले जाए जैसे भी मैंने केस का परिभाषा दिया लिख लो कि नाउन का दूसरे शब्दों के साथ किस प्रकार का संबंध है केस कहलाता है नाउन का प्रयोग आप किस तरीके से कर रहे हो ठीक है किसी और किसी भी और दूसरे वाक्यों शब्दों के साथ तो चार तरीके से हम प्रयोग में ला सकते इसलिए चार प्रकार के केस हुए नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस पोसेसिव केस कॉम्प्लीमेंट केस ठीक है पोसेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोल सकते हो ठीक है तो ये चारों को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे ठीक अच्छा यहां से हटेगा ये ठीक तो सबसे पहले हम बात, बात करते हैं नॉमिनेटिव केस ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक ठीक है इसकी परिभाषा लिख लीजिए जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में कर्ता के रूप में किया जाए सब्जेक्ट के रूप में किया जाए वो आपका नॉमिनेटिव केस में आएगा मैंने क्या कहा किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में कर्ता के रूप में किया जाए सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो वो नॉमिनेटिव केस में आएगा वो नाउन जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए राज इज प्लेइंग क्रिकेट तो राज इज प्लेइंग क्रिकेट यहां पर हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा कि राज क्रिकेट खेल रहा है ठीक है तो आप ये देखिए यहां पर जो राज शब्द है वो एक प्रकार का नाउन है क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं लेकिन यहां पर राज जो है इस वाक्य का सब्जेक्ट है काम करने की बात हो रही है। यहां यह कर्ता के रूप में आ रहा है तो यह नाउन यहां पर कर्ता बनकर आ रहा है इसलिए यह कारक अर्थात ये नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन होगा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड काउ जो है घास चर रही है मैदान में या खेत में तो यहां पर घास चरने का काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है घास चरने का काम कौन कर रहा है काउ ठीक है और काउ एक प्रकार के एनिमल है और एनिमल के नाम को भी हम नाउन कहते हैं तो ये जो नाउन है इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इसलिए इस नाउन को हम बोलेंगे ये जो है नॉमिनेटिव केस में है ये इसका संबंध बाकी शब्दों के साथ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है कर्ता के रूप में हो रहा है कारक आपका नाउन कहलाएगा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए मोबाइल इज वेरी कॉस्टली मोबाइल बहुत महंगा है ठीक है तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है मोबाइल है और मोबाइल एक प्रकार के वस्तु का नाम है वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं तो ये जो नाउन है यहां पर सब्जेक्ट बनकर आया इसका संबंध बाकी शब्दों के साथ सब्जेक्ट के रूप में है कर्ता के रूप में है तो ये आपका कौन सा केस हो गया नॉमिनेटिव केस हो गया क्लियर है यहां तक जल्दी से बता दीजिए हाँ थोड़ा बड़ा कर दीजिए लिख रहे हो ठीक है मनीषा यादव बड़ा तो दिख रहा है बेटा काफी कुछ क्लियर है यहां तक ठीक है अब हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव केस इसको हम बोलते हैं कर्म कारक। तो जब कोई नाउन किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आए या उस नाउन का संबंध वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो कर्म कारक नाउन कहलाएगा या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा जैसे एक सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल देखिए ही इज टीचिंग रमेश His teaching रमेश वह रमेश को पढ़ा रहा है तो यहां पर आप देखिए रमेश की बात हो रही है ठीक है तो रमेश एक प्रकार का नाउन है और इस वाक्य में रमेश जो है एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है देखिए यहां पर देखिए ये आपका वर्ब हो गया ये तो बेसिक चीज आप लोग जानते हो गए ये सब्जेक्ट बनकर आ रहा है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है क्लियर यहां तक तो ही टीचिंग रमेश यहां पर रमेश ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है और रमेश अपने आप में एक नाउन भी है तो इस नाउन का जो प्रयोग है इस वाक्य में हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं इसलिए रमेश नामक जो नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है एक और एग्जांपल देख लीजिए आर फीडिंग cat. हम एक बिल्ली को खाना खिला रहे हैं तो यहां पर देखिए वी आपका सब्जेक्ट है आर आपका हेल्पिंग वर्ब है यह आपका मेन वर्ब है और कैट यहां पर ऑब्जेक्ट है कैट एक प्रकार का जानवर है इसलिए ये आपका नाउन हो गया तो इस नाउन का जो प्रयोग है यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है इसका संबंध ऑब्जेक्ट के रूप में है इसलिए ये जो नाउन है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा एक और सेंटेंस देख लीजिए आई विल बाय मोबाइल मैं एक मोबाइल खरीदूंगा यह आपका सब्जेक्ट हो गया यह आपका मॉडल वर्ब हो गया यह आपका मेन वर्ब हो गया यह आर्टिकल है यह यहां पर ऑब्जेक्ट है ठीक है तो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हो और मोबाइल एक वस्तु का नाम है वस्तु के नाम को आप नाउन कहते हैं क्योंकि ये नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा शब्दों के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में है इसलिए ये केस में आएगा क्लियर है आप आग तक आगे बढ़े जल्दी से बता दीजिए आई एम गोइंग टू डेली हियर डेली इज ऑफ ठीक है बेटा शाबाश निखिल ठीक है अब ठीक है बोल रहे हो वेरी गुड नोट्स बनाते चलना है आप लोगों को क्योंकि इसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा अलग से थर्ड आ जाते हैं पोसेसिव केस जेनेटिव केस भी जिसको हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हो संबंध कारक ठीक है तो जब नाउन का प्रयोग हम तीन चीज के लिए करें तो वो पोसेसिव केस में आता है कौन कौन सा तो पहला पोसेशन पोसेशन का मतलब होता है रखना ठीक है या ओनरशिप ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित या रिलेशन रिलेशनशिप संबंध तो जब आप किसी नाउन का प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ पोसेशन के लिए ठीक है किसी चीज को आप रख लेते हो ठीक है या फिर ओनरशिप स्वामित्व की बात करें या रिलेशनशिप संबंध की बात करें तो ऐसे नाउन को हम संबंध कारक, अर्थात पोसेसिव केस में लेकर आएंगे एक एग्जाम्पल देखिए Ram's car is very beautiful. This is Gull's Hostel Cows. कलर इज रेड लाल रंग की गाय होती है क्या हाँ होती है तो आप देखिए यहां पर तीन सेंटेंसेस मैंने लिखा है और देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कार या फिर गर्ल्स हॉस्टल देखिए जब कोई पहले से ही वर्ड प्लूरल फॉर्म में होता है उसका अगर आपको पोसेशन बताना है तो लास्ट में केवल अपोस्ट ऑफ लगता है और जब सिंगुलर रहता है तो पोस्ट के साथ एस भी लगता है ये कल मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा पोसिस केस ठीक है तो ये ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है गर्ल देखिए लड़की का हॉस्टल यहां पे लिखने का प्रयास करता हूं मैं लड़की का हॉस्टल तो ये होगा गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल लड़कियों का तो लड़कियों का प्लुरल फॉर्म है गर्ल्स तो पहले लड़कियों को हम गर्ल्स बोलते हैं इसका अगर आपको अपोस्ट ऑफिस बनाना है तो केवल अपोस्ट लगा देने से ये बन जाता है और अलग से एस नहीं लिखा जाता ये कल मैं आप लोग को बताऊंगा वैसे ठीक है चलिए वापस आ जाते हैं यहां पर तो रामस कार इज ब्यूटीफुल तो राम्स ये जो शब्द है कार के साथ संबंध बताने वाली बात कर रहा है या फिर उसको रखने की बात कर रहा है या स्वामित्व की बात कर रहा है दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स अपोस्ट ऑफ लगा हुआ है ये जो शब्द है इस वाक्य में कहीं ना कहीं संबंध को बता रहा है ठीक है या काउस की मैं बात करूं काउ अपोस्ट ऑफ एस ये जो शब्द है कहीं ना कहीं स्वामित्व की बात या संबंध की बात बता रहा है कलर के साथ तो आपका रामस गर्ल्स और काउस किस प्रकार के नाउन होंगे किस प्रकार के कारक हो रहे हैं यहां पर पॉजिशिव केस में आ रहे हैं क्योंकि तो यह संबंध स्वामित्व या फिर उस चीज को रखना इस संबंध में सेंस दे रहा है क्लियर है यहां तक चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं लास्ट केस और देख लेते हैं चौथा केस चौथा केस हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ठीक है कॉम्प्लीमेंट केस या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब यह एक केस है जिसको हमको पढ़ना है अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का कहीं आप यह मतलब निकाल लेना कि आ, जैसे कोई तारीफ मिलता है ना मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला ये वो तारीफ वाला शब्द नहीं है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक ठीक है और वो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग क्या होती है आई आ जाता है और यहां पर ई है ये फर्क है तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक ठीक तो ऐसा नाउ जो वर्ब को पूरा करे वर्ब को कंप्लीट करे उस नाउन को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब केस बोलेंगे मतलब एक ऐसा नाउन जिसका संबंध वाक्य में वर्ब को पूरा करने का हो जिससे वर्ब कंप्लीट हो जाए वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का केस में आएगा ठीक है अब इसमें दो केस है आँ... इसमें हम दो केस ले सकते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ठीक है और दूसरा हम लेंगे ऑब्जेक्टिव सेंस में ठीक है तो ये वर्क को पूरा तो करेगा लेकिन वो सब्जेक्ट को दर्शाएगा और दूसरे केस में वर्क को पूरा करेगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट को बताए। एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाता हूं अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे एक सेंटेंस लिखिए राज बिकेम अब देखिए सेंटेंस को समझिए राज बिकेम राज बना अजीब सा नहीं लग रहा राज बिकेम किसी को बोलोगे राज बना क्या बना भैया राज बना बना तो क्या बना मतलब यहां पे कुछ ना कुछ आना चाहिए ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि कोई शब्द आए इस बिकेम को कोई पूरा कर दे जैसे आप कोई बोला कि भाई राज बना तो हम क्या पूछेंगे भाई क्या बना तो उस बना शब्द के लिए आप उम्मीद करते हो कुछ मिले तो हम क्या लिख सकते हैं राज बिक्रेम प्रेसिडेंट तो राज जो है वो प्रेसिडेंट बना तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है यह किसको पूर्ण कर रहा है बिकेम को पूर्ण कर रहा है और बिकेम क्या है एक प्रकार का वर्ब है बिकम का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट ठीक है तो यह क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब लेकिन प्रेसिडेंट बना कौन राज बना तो यह राज का उल्लेख कर रहा है राज के बारे में बता रहा है सब्जेक्ट को बता रहा है तो यहां पर प्रेसिडेंट जो नाउन है कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्टिव है सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर वो उसको पूर्ण कर रहा है सब्जेक्ट का उल्लेख कर रहा है क्लियर यहां तक एक और एग्जांपल देख लीजिए एक और स... इसको ऐसा कर लेते हैं फादर वॉज ये पहला सेंटेंस है नोट तैयार करते चलना ठीक है <coughs> तो फादर वॉस पिता थे पापा थे पापा थे मतलब क्या थे कुछ लग रहा है कि आना चाहिए इस वॉस के लिए कोई ना कोई देखिए वॉस भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब तो है ना तो इस वॉस के लिए कोई ना कोई शब्द की उम्मीद हम कर रहे हैं तो पिता थे क्या थे भाई नाराज थे गुस्सा थे परेशान थे क्या थे तो फादर वॉस अगर मैं लिख देता हूं सैड पिताजी परेशान थे उदास थे तो ये जो सैड शब्द है किसको पूर्ण किया वॉस को पूर्ण किया वॉस एक प्रकार का वर्ब है तो इसको कॉम्प्लीमेंट किया इसका पूरक बनकर आया लेकिन सैड एक्चुअली में थे कौन फादर और फादर जो शब्द है यहां पर आपका नाउन है और सब्जेक्ट बनकर आया है तो इस सब्जेक्ट का उल्लेख कर रहा है तो यह आपका पहला केस में आ जाता है ठीक है अब एक और इसमें इस देख लेते हैं दूसरा जो ऑब्जेक्ट का उल्लेख करे कॉम्प्लीमेंट वर्ब का तो वो पूरक बनेगा लेकिन उल्लेख किसको करेगा ऑब्जेक्ट को करेगा, करेगा। ये लास्ट है इसके बाद हम वो याद करेंगे ऑब्जेक्ट का जिसका उल्लेख करें अब जैसे कि एग्जांपल देखिए वी सेलेक्टेड वी सेलेक्टेड राज हमने राज को चुना वी सेलेक्टेड राज अवर, हमने राज को अपना चुना अरे क्या चुना अगर किसी ने बोला भैया राज को हमने चुन लिया अरे क्या चुने उसको तो कहीं ना कहीं इस सिलेक्टेड शब्द के लिए एक शब्द की डिमांड पैदा हो रहा है तो वी सेलेक्टेड राज अवर कैप्टन तो यहां पर जो कैप्टन शब्द है यह पूरक बन रहा है सिलेक्टेड का चुना तो वी सिलेक्टेड राज अवर कैप्टन तो कैप्टन सलेक्ट वाक्य बन रहा है और पूरक यहां पर क्या है आपका मेन वर्ब है तो जो वर्ब का पूरक बन तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब हो गया वो लेकिन ये जो कैप्टन है ये जो नाउन है ये किसको उल्लेख कर रहा है ये उल्लेख कर रहा है राज को वी सेलेक्टेड राज अवर कैप्टन तो राज को हमने कैप्टन चुना और राज यहां पर ऑब्जेक्ट है और वी यहां पर सब्जेक्ट है तो पहले केस में आपने देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है वो सब्जेक्ट को इंगित कर रहा था अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को उल्लेख कर रहा है एक और सेंटेंस देख लेते हैं दे चोज यह चूज कर लेते हैं दे चूज सीता देयर दे चूज सीता देयर वे सीता सीता की स्पेलिंग हा ठीक है तो दे चूज सीता देयर क्या मदर कर देता हूं मैं तो वे सीता को अपनी मां चुनते हैं तो मदर जो शब्द है कहीं ना कहीं चूज का जो है कॉम्प्लीमेंट हो रहा है और मदर शब्द किसके लिए यूज हो रहा है सीता सीता यहां पर ऑब्जेक्ट है और दे यहां पर सब्जेक्ट चलिए जल्दी से उतार लीजिए इसको फटाफट फिर हम वो याद करेंगे फादर वॉज वेरी हैप्पी हैप्पी इज कॉम्प्लीमेंट सर बहुत बढ़िया ठीक है वेरी तो यहां पर एडवर्ब है बेटा वेरी जो शब्द है निखिल सोना एडवर्ब है जल्दी से अपने शब्दों में लिख लीजिए इसको फटाफट कोई भी डाउट है तो यहां से पूछिए फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं 20 मिनट का समय बचा है 10 मिनट और क्लास लूंगा आज वो कैबलरी याद करेंगे ठीक है आगे बढ़े हो गया विक्रम वर्मा गुड इवनिंग बोल रहे हैं ठीक है चलिए ये सारा कुछ आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा बट जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको नोट्स तैयार करते चलना बिल्कुल नोट्स आप तैयार कर लीजिए जैसा मैं बताते जा रहा हूं बिल्कुल आपको फायदा होगा बेटा ठीक है तो पहला शब्द आ रहा है देखिए प्री ऑक्युपाइड प्री ऑक्युपाइड का मतलब होता है चिंतामग्न या पूर्व निर्धारित मतलब पहले से ही आप निर्धारित कर लिए हो दिमाग में बैठा लिए हो प्री ऑक्युपाइड पहले से दिमाग में ऑक्युपेशन हो चुका है ऑक्युपाइड मतलब रख लेना ठीक है Synonym में हो जाएगा केयरलेस या वॉन्डरिंग हो जाएगा ठीक है या केयरफुल या अलर्ट आप बोल सकते हो एग्जाम्पल देखिए हिम फॉर द होल हॉलिडे स्वास्थ्य की चिंताओं ने उन्हें पूरे अवकाश के लिए पूर्व निर्धारित कर लिया तो प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है चिंता मग्न या फिर आपका पूर्व निर्धारित तो पूर्व निर्धारित या चिंता मग्न आपका क्या हो जाएगा प्री व्हाइट कलर दिख रहा है कि नहीं ठीक से ये तो कलर मैं चेंज करूंगा कल कर से दिख रहा है कि नहीं देख लो एक बार व्हाइट कलर ये जो है, सर दिख रहा है लेकिन तो ठीक है ठीक है stink, stink, जब कोई लड़का या लड़की नहाए नहीं रहते तो शरीर से एक अजीब सा स्टिंग बदबू आता है या कोई जानवर भी बहुत दिनों से ठीक है या पुराने कपड़े आप निकालते हो तो बोलते हैं ना एकदम नाक बंद करके स्टिंग यू स्टिंग ठीक है तो बदबू या दुर्गंध स्टिंग कहलाता है स्टेंच आप बोल सकते हो मैफिट्स आप बोल सकते हो सिनोनिम में परफ्यूम खुशबू सेंट सेंट की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा ये होता है सेंट बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं ठीक है फिश बिगिंस टू स्टिंग एट द हेड मछली के सिर से बदबू आने लगती है ठीक है तो बदबू या दुर्गंध को हम क्या बोलेंगे स्टिंक स्टिंक यानी बदबू या दुर्गंध अगला शब्द देखिए परपेच परपेच

तो नित्य या लगातार या निरंतर को हम बोलते हैं परपेचुअल 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 मतलब होता है लगातार या निरंतर अगला शब्द देखिए है, हैरी हैरी पॉटर वाला हैरी नहीं है ये एक प्रकार का वर्ब है उजाड़ना या नष्ट करना हैरी कहलाता है वरी या हराश ठीक है किसी को परेशान करना वरी करना चिंता में डाल देना ठीक है ना रिपेयर यानी ठीक करना पैसिफाई शांत करना ये दोनों हो जाएगा द विंड हैरिड द ट्रीज द विंड विंड यानी आपका क्या होता है हवा जो चलता है ठीक है या तूफान द विंड हैरिड तो चूंकि मैंने बताया था हैरी एक प्रकार का वर्ब वर्ब है तो है तो उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म सारा कुछ होगा ठीक है द विंड हैरिड द ट्रीज हवा ने पेड़ों को उजाड़ दिया तो इस तरह से आप बोलेंगे तो हैरी हैरी यानी उजाड़ना या नष्ट करना ये सारे वोकैबुलरी देखिए कहीं ना कहीं से पिछले कुछ वर्षों में आए थे उन्हीं को ही लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं तो चांसेस ये है कि दोबारा पूछ सकता है या आ सकता है सोलेस सोलेस सांत्वनी या तसल्ली ठीक है सिक मैन फाउंड सोलेस इन म्यूजिक बीमार आदमी को संगीत में सांत्वना मिलती है कॉन्सुलेशन बोलते ना जैसे सांत्वना पुरस्कार चलो भाई तू जीत नहीं पाए ले इसे सांत्वना के रूप में एक पेन ले है या पेपरमेंट ले ले तो सोलेस सोलेस का मतलब होता है सांत्वना या फिर तसल्ली ठीक है कंफर्ट आप बोल सकते हो रिलीफ आप बोल सकते हो ये सेनानी में डिस्ट्रेस कहीं ना कहीं टेंशन ग्रीफ यानी दुख ठीक है तो सांत्वना या तसल्ली सोलेस सोलेस तो देखिए यहां पर इस तरह से ये कौन है पता नहीं जो भी है वो उसको सांत्वना दे रहा है उस बच्चे को इस तरह से भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं अगला शब्द देखिए कौन सा आ रहा है अपराइट ईमानदार या सीधा अपराइट अपराइट यानी ईमानदार या सीधा ठीक है करेक्ट आप बोल सकते हो जो सही है डेकोरस भी आप बोल सकते हो प्रॉपर जो ठीक से है ठीक है ना प्रोन जो गड़बड़ है क्राफ्टी अलग थलग से अलग थलग से कुछ है ये एंटनी में आ जाएगा ही इज अपराइट इन हीज डीलिंग्स वह अपने व्यवहार में ईमानदार है तो ईमानदार बढ़िया सीधा ये अपराइट कहलाता है अपराइट ईमानदार या सीधा डिस्टेंट तो डिस्टेंट का मतलब होता है विकृत करना या फैलाना विकृत करना या फैलाना ये देखिए ये सारे केजरीवाल के रिश्तेदार लोग हैं ठीक है विकृत टाइप से है, फैले हुए हैं द बलून वॉज डिस्टेंडेड बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन भरने के कारण गुब्बारे विकृत हो गए या फूल गए या फैल गए तो ब्लोट यानी भी फूलना होता है डायलेट यानी चौड़ा करना या फैलाना होता है कंप्रेस ठीक है या प्रेस यानी दबाना कंप्रेस मतलब संकुचित करना ये, हो जाएगा इसका ठीक है ये देखिए सिनोनिम और भी हमने लिखा हुआ है तो फैलाना या विकृत करना फैलाना या विकृत करना क्या कहलाएगा डिस्टेंट चलिए अगला शब्द देखिए अफेक्टेशन अफेक्टेशन ढोंग या दिखावा को अफेक्टेशन कहते हैं ढोंग या दिखावा Affectation. She has no affectation, I am sure. उसका कोई नहीं है दिखावा नहीं है मुझे रियालिटी तो दिखावा का अपोजिट रियालिटी या प्योरिटी शुद्धता इसमें मतलब कोई दिखावा नहीं है प्योर आइटम है ठीक है तो अफेक्टेशन का मतलब ढोंग या दिखावा ढोंग दिखावा आफेक्टेशन. सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट का मतलब आने वाला या अगला ठीक है दिस विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स इसकी चर्चा बाद के आने वाले अध्यायों में की जाएगी तो लेटर यानी बाद में या कमिंग आफ्टर आने वाला प्रीसीडिंग इसके पहला पीरियर मतलब आगे का ठीक है ना जैसे बोलते हैं ना पीरियर जो हमारे सब ऑर्डिनेट पीरियर जो लीडर थे उन्होंने ऐसा किया या तो जस्ट मेरे से पहले जिसने लेक्चर दिया उसके बारे में हम इस तरह से बोल सकते हैं तो आने वाले सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आने वाला या अगला सब्सिक्वेंटली करके भी बोलते हैं ना इसके पश्चात जो रिजल्ट आएगा लाइक like दैट चले दो तीन और शब्द याद कर सकते हैं अफेक्शन ठीक है ना इसने है प्यार अफेक्शन ये लव का थोड़ा छोटा रूप है बोलते ना यार इसका दोनों के बीच कुछ नहीं है प्यार का नहीं अफेक्शन है थोड़े समय के लिए ऐसी है लगाओ हल्का सा लगाओ बहुत ज्यादा स्ने इतना भी नहीं है जैसे लोमड़ी लोग मिल रहे हैं ठीक है, है? आओ। वो तो कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं और देखो कितना खुश है वो एकजन चुर चुरु तो या प्यार हल्का सा लगाओ अफेक्शन कहलाता है ठीक <laughs> है लव फनेस ये आपके सिनोनिम हो गया डिसलाइक हेट्रेट आपके एंटीनेम हो जाएंगे ही डिडेंट शो हिज वाइफ एनी अफेक्शन उन्होंने अपनी पत्नी को कोई स्नेह नहीं दिखाया गलत बात है दिखाना चाहिए भले हो या ना हो अगर घर में टाइम से खाना चाहिए तो अफेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है ठीक है अफेक्शन अफेक्शन का मतलब स्नेह या प्यार या लगाव एंथ्रॉल मोहित कर देना मंत्र मुग्ध कर देना जब विराट कोहली खेलता है और सिक्सेस वगैरह मार देता है तो हम लोग एंथ्रॉल बिल्कुल जोश में आ जाते हैं मोहित करना मंत्र मुग्ध करना चाम अट्रैक्ट ये सेनानी में हो गए बोर करना यार झेला तो रहा है जैसे ना जैसे कई बार आ, क्रिकेट मैच आप लोग देखते हो तो बहुत स्लो खेल रहे हैं, तो बोर हो जाते हैं बॉदर परेशान करना लगता है ठीक है देवर एंथ्रॉल्ड विद द प्ले वे नाटक से मंत्रमुग्ध हो गए तो मोहित करना या मंत्रमुग्ध आपका एंथ्रॉल कहलाएगा क्या कहलाएगा एंथ्रॉल सेवर सेवर कठोर या असहनी सेवर बोलते ना बड़ा सिविर चोट लगा है द जज मेटेड आउट सिविर पेनल्टीज ठीक है तो ये मेट आउट एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है उल्लेख करना तो न्यायाधीश ने कठोर दंड का उल्लेख किया स्ट्रिक्ट या ग्रेव ठीक है और सॉफ्ट या इसके एंटीनेम हो जाएंगे बड़ा सॉफ्ट बड़ा काइंड दयालु तो सेवेर यानी होता है कठोर या असहनी कठोर या असहनी सेवेर कहलाता है अनबिकमिंग अनुपयुक्त अशोभनीय ये देखो ये लड़की को देख लो <laughs> उठा के पटक दी <laughs> टोपी लगाई हुई है ओके भाई ठीक है तो अनुपयुक्त या अशोभनीय को हम बोलते हैं अनबिकमिंग इट इज अटरली अनबिकमिंग ऑफ हिम टू डू सच अ थिंग ऐसा काम करना उसके लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है ठीक है ना अनफिट आप बोल सकते हो इनप्रॉपर जो फिट नहीं बैठता इमप्रॉपर सही तरीके से नहीं है सुटेबल सही बैठ रहा है।, है ना कमली कमली मतलब सभ्य ठीक है ना जो शोभनी काम करे कमली गाना भी ना निकमली निकमली वाला वो इच्छा है। तो अनबिकमिंग का मतलब होता अनुपयुक्त या अशोभनीय इनफ्यूरिएट गुस्सा दिलाना उत्तेजित कर देना हाँ तो ये जो है बच्ची इसको मैगी नहीं मिला तो ये गुस्से में आ गई आप देख लीजिए बिल्कुल इनफ्यूरिएट हो गई ठीक है द करप्ट ऑफिशियल्स इन डिफरेंट एटीट्यूड इनफ्युरटेड मी भ्रष्ट अधिकारियों के उदासीन रवैय ने मुझे गुस्सा दिलाया तो गुस्सा दिलाना या उत्तेजित करना इनफ्यूरिएट बोल सकते हो एनरेज आप बोल सकते हो एंकर आपका सिनोनिम हो जाएगा शांत अपीज अपीज का मतलब ये होता है कि, कि किसी को शांत कर देना जैसे कोई बच्ची रो रही है उसको दो रुपए का लॉलीपॉप दे दिए वो चाट ली बेचारी शांत हो गई उसी को बोलते हैं अपीसमेंट ठीक है और ये अपीसमेंट करके आप लोग सुनते होंगे ना मुस्लिम अपीसमेंट करके तुष्टिकरण तो तुष्टिकरण है तो गुस्सा दिलाने के बजाय तुष्टिकरण कर दो ठीक है इनफ्यूरिएट इन का मतलब गुस्सा दिलाना उत्तेजित करना सैपेड स्वादिष्ट या मजेदार द more स्टीक वॉज मोर other अदर मीट इन cafe. कैफे में किसी भी अन्य मांस की तुलना में स्टेक अधिक स्वादिष्ट था स्टेक मतलब होता है कि बहुत बड़े जो एक मांस का जो टुकड़ा होता है ना वो स्टीक कहलाता कहला है स्टेक कहलाता है ठीक है तो स्वादिष्ट या मजेदार सैपिड टेस्टी बोल सकते हो प्लीजेंट बोल सकते हो डलसिट बोल सकते हो ठीक है डी आप बोल सकते हो अनप्लीजिंग ये में हो जाएगा तो स्वादिष्ट या मजेदार सैपिड सैपिड यानी स्वादिष्ट या मजेदार चलिए तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं फिर होप सो क्लास पसंद आया होगा जल्दी से लाइक का बटन दबा दे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कल मैं आप लोगों को नाउन द पॉजिस केस आपको बताऊंगा ठीक है और ऑलमोस्ट कल नाउन हमारा खत्म हो जाएगा वो कैबलरी याद कर लीजिएगा इसी के ऊपर कल आप लोग का मैंटी क्विज होना है तो मैंटी क्विज आज के वो कैबलरी और जो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन द केस इसके ऊपर से क्वेश्चन बनेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कल मिलते हैं शाम को पाँच बजे टिल देन बाय बाय हैव अ ग्रेट डे